4 अगस्त तक चलेगा। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन सत्र की कम अवधि को लेकर विपक्ष ने नाराजगी जताई है। 29 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र, मात्र 5 दिन का होगा मॉनसून सत्र। छोटे सत्र पर विपक्ष को ऐतराज। झारखंड में विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। सूबे में 29 जुलाई से 4 अगस्त तक मॉनसून सत्र आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। 29 जुलाई को राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। सरकार की तरफ से मॉनसून सत्र को लेकर राज्यपाल रमेश बैस के पास प्रस्ताव भेजा गया है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विपक्ष से सत्र को सुचारू तौर से चलाने में सहयोग की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से प्रस्तावित किया गया है 29 तारीख से लेकर 4 अगस्त तक, और ये जो है कैबिनेट में जाएगा। कैबिनेट में पारित होने के बाद माननीय राज्यपाल के पास जाएंगे, वो तब विधिवत घोषणा होती है। और ये जो है सत्र बुलाया जाता है और इसमें पक्ष विपक्ष अपने अपने क्षेत्र का बातों को रखने के काम करते हैं। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र मात्र 5 दिन का होगा, जिसे लेकर विपक्ष को ऐतराज है। बीजेपी सत्र का समय कम से कम 10 या 15 दिन करने की मांग कर रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि 4-5 दिन में होता ही क्या है। सरकार ये 4-5 दिन का मॉनसून सत्र रखी है, 4-5 दिन में होता क्या है? 81-82 विधायक है, 82 विधायक का एक एक क्वेश्चन भी तो नहीं आ पाएगा। विधानसभा सत्र के शुरू होने में भले ही अभी समय है, लेकिन सत्र से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। झारखंड विधानसभा में 82 विधायक हैं। जाहिर है इतने कम समय में कोई भी विधायक अपनी बात नहीं रख सकेगा। बहरहाल अब फैसला सरकार के हाथ में है, लेकिन विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। मनीष कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची।